दोस्तों, हमारी दुनिया कई आश्चर्य और खूबसूरत जगहों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें कुछ काफ़ी बड़े हैं तो कुछ इतने छोटे हैं कि भारत के कई शहरों के सामने ये मोहल्ले जैसे लगेंगे। कई देश तो वहाँ एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ एक पूर्ण सरकार, उनकी संस्कृति और परंपरा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जानते हैं। वेटिकन सिटी। दोस्तों, यूँ तो बहुत से लोग जानते होंगे कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि यह देश महज 110 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या मात्र 1000 के आसपास है। इसके बावजूद यह देश दुनिया में ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची सहित दुनिया के महानतम कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक महान चित्रकार, कुशल यांत्रिक और वैज्ञानिक थे। मोनाको। दोस्तों, यह देश दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जो कि 499 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन छोटा राष्ट्र शब्दों से परे भव्य है। आप इस देश की सुंदरता देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। यह देश मुख्य रूप से यहाँ के मोंटे कार्लो कैसिनो और ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग इवेंट के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। बात करें तीसरे सबसे छोटे देश की तो अविश्वसनीय रूप से नारू है, जिसे पहले प्लेजेंट आइलैंड के नाम से जाना जाता था। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। इस देश की वर्तमान जनसंख्या लगभग 13,000 के करीब है। शांतिपूर्ण देश अधिकांश पर्यटकों के रडार से दूर रहते हैं, इस वजह से नारू भी अधिकांश पर्यटकों के रडार से दूर रहता है। और यह देश दुनिया में एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। यहाँ सिर्फ केवल एक ही हवाई अड्डा है। वैसे यहाँ ज़्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। दोस्तों, ओशिनिया, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा देश तुवालु पोलिनेशियन, जो कि विश्व का चौथा सबसे छोटा देश कहलाता है, जो कि 1978 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। वैसे पूर्व में यह देश एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस द्वीप राष्ट्र की आबादी लगभग 11,000 के करीब है, लेकिन यहाँ की 91% आबादी नास्तिक है। यह देश भी दूर स्थान होने के कारण अधिकांश पर्यटकों से दूर रहता है, लेकिन यह एक लोकप्रिय ऑफबीट गंतव्य है। दोस्तों, आपने सैन मेरिनो का नाम तो सुना ही होगा, जो कि 1.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक देश है, जो कि छोटे देशों की सूची में 5वें नंबर पर आता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 33,000 के करीबन है। सैन मेरिनो की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक वित्त, उद्योग, सेवाओं और पर्यटन पर आश्रित है। इस खूबसूरत देश की प्रमुख आकर्षण है इसके चट्टान, शीर्ष महल, जो कि एकदम जादुई दिखते हैं।